व्हाट्सअप एवरी वन दिस इज मी जैज एंड वेलकम टू माई चैनल जैज लाइव सो इंग्लिश हुई काफ़ी अब वापस आ जाते हैं अपनी हिंदी पर सो so, guys, आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ जियो का फाइबर एंड साथ में एयरटेल का एक्सट्रीम या एयरटेल फाइबर बोल सकते हो आप उसको सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइज एयरटेल को पहले मैं यूज कर चुका हूं वी डी जब उनकी टेक्नोलॉजी थी इनफैक्ट वी डी भी नहीं जब ई थी सो so, मैंने तब से यूज कर रहा हूं देन उसके बाद वी डी आई थी मैंने वो यूज़ करी थी देन उसके बाद फाइबर आया था लेकिन एयरटेल का नहीं आया था जियो का आया था सो so, मैंने जियो फाइबर यूज करा सो so, एयरटेल जो मैंने यूज करा था अप्रोक्सीमेटली पांच साल मैंने यूज करा है यहाँ पे भी अपने घर में भी एंड ऑफिस में भी एंड उसके बाद जब जियो फ़ाइबर आया सो यार काफ़ी ज़्यादा हाइप थी सो मैंने भी लगवा लिया और जियो फ़ाइबर जो मैंने यूज़ करा है जियो गीगा फ़ाइबर या जियो फाइबर आप कुछ भी बोल सकते हो सो so वो अप्रोक्सीमेटली मैंने तेरह महीने यूज़ करा है एक साल से ज़्यादा एंड अभी भी जिस टाइम ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे लगा हुआ है जियो फाइबर लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जियो फाइबर में एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊं जब उन्होंने फ्री दिया था सो स्पीड आती थी उनकी हंड्रेड एम अपलोड भी डाउनलोड भी एंड जैसे ही उनके आई थिंक डिसम्बर लास्ट में जाके मैंने फर्स्ट रिचार्ज कराया था उनके जो स्पीड है वो उन्होंने कर दी काफ़ी ज़्यादा कम अपलोड स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं डाउनलोड स्पीड की नहीं मैं यूट्यूबर हूँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम पड़ता है अपलोड स्पीड से सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं स्विच करूँगा एयरटेल पे एंड एयरटेल भी मैंने यहाँ पे लगवा लिया है एयरटेल का फाइबर इस टाइम पे दो कनेक्शन है मेरे पास जियो वाला मैं बहुत जल्दी डिसकन्टिन्यू करने वाला हूँ एक हफ़्ता करीब बचा है, पाँच छः दिन बचे हैं रिचार्ज इसका ख़त्म हो जाएगा सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है सो अब बातों को करते हैं यहीं पे स्टॉप और सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्पीड मुझे अभी मिल रही है सो so गाइज़ अभी मैं कनेक्टेड हूँ अपने जियो के इंटरनेट से सो so यहाँ पे स्पीड टेस्ट की मैंने ऐप इंस्टॉल करी हुई है विंडोज़ ऐप है ये सो so यहाँ पे एक बारी करते हैं गो और आप यहाँ पे देख सकते हो जियो ये यह यहाँ पे शो हो रहा है सो so इसको करेंगे गो और देखते हैं क्या स्पीड हमें मिल रही है जो मेरा प्लान है उसमें जियो बोलता है कि हंड्रेड एम आपको स्पीड मिलेगी डाउनलोड स्पीड एंड जो अपलोड स्पीड है वो मिलेगी नाइन एम सो देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली exactly हमें मिल रही है स्पीड सो so, यहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड आई है हमारे पास वो आई है 35.10 फाइव ये जियो प्रोवाइड कर रहा है एंड अगर अपलोड स्पीड की बात करें सो so, अपलोड स्पीड आ रही है 7. पॉइंट समथिंग एम अभी देखते हैं एक्जैक्टली exactly कितना होता है सो so, यहाँ पे जो स्पीड हमें मिल रही है अपलोड स्पीड वो मिल रही है 7.76 पॉइंट सो अब स्विच करते हैं एयरटेल पर सो so, एयरटेल यहां पे दो है मॉडम में दो ऑप्शन है फाइव गीगा हर्ट्स और टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स जो जियो वाला भी मैंने आपको चेक करवाया ये टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट पे है सो so एयरटेल को भी हम टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट पर चेक करेंगे सो so, यहां से किया कनेक्ट एंड आप देख सकते हो यहां पे इंटरनेट पे ये जो आइकन है वो एयरटेल का आ चुका है सो so अब करेंगे गो एंड अब देखते हैं कि, कि कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है एयरटेल एयरटेल so, का जो मेरा प्लान है उसमें ये लोग बोलते हैं कि हम आपको 100 एमबीपीएस डाउनलोड और अपलोड स्पीड प्रोवाइड करेंगे सो so, देखते हैं डाउनलोड स्पीड कितनी आती है यहां पे। एक चीज और यहां पे क्लियर करना चाहता हूं जो वाईफाई है मॉडर्म है मेरा वो मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है एंड वो काफ़ी पास में पड़ा है मेरे सीपीयू के सो so, यहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड हमें मिल रही है वो मिल रही है 90.35 पॉइंट थ्री एंड अगर आप अपलोड स्पीड देखो सो एट्टी सेवन पॉइंट चलो अब मैं एक बार ही आपको 5 गीगर हर्ट्स पर भी चेक करा देता हूँ एयरटेल के मेरे जियो के मॉडम में फ़ाइव गीगर नहीं है सो so, यहाँ पर हम स्विच करेंगे एयरटेल के फ़ाइव गीगर हर्ट्स एंड अब देखते हैं क्या स्पीड मिलती है तो कुछ स्पीड हमें इस तरीके से मिलती है कि जो वो 100 एमबीपीएस अपने प्लान में बोलते हैं उससे भी ज्यादा स्पीड मिलती है जो कि हमें डाउनलोड स्पीड मिल रही है 114 एमबीपीएस एक्जैक्टली exactly बोलूँ तो वन हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट थ्री एट एम बी पी एस एंड अगर अपलोड स्पीड की बात करें सो so यहाँ पे अपलोड स्पीड हमें मिल रही है वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट नाइन सेवन एम बी पी एस सो आपके सामने है सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पे एक बारी मैं आपको और भी इसकी हिस्ट्री चेक करवा देता हूँ सो so ये आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने फाइव गीघा हर्ट्स पे करा सो हमें ये स्पीड मिली यहाँ पे टू पॉइंट फोर गी हर्ट्स पे करा एयरटेल के सो ये स्पीड मिली एंड टू पॉइंट फोर गी हर्ट्स जियो फाइबर यूज करा तो हमें ये सबसे गंदी वाली स्पीड मिली एंड यहाँ पे अगर मैं प्लान की बात करूँ सो प्लान भी एयरटेल का सस्ता है एज कम्पेयर टू जियो सो गाइज यहाँ पे अगर प्लान की बात करें सो so जियो में जो अभी मैं प्लान यूज कर रहा हूँ वो है 849 का एंड टैक्सेस के बाद वो मुझे पड़ता है एक हज़ार एक रुपये का जो मेरा रिचार्ज होता है एंड एयरटेल में जो अभी मैंने यूज़ करा है आई I मीन mean जो मैंने प्लान लिया है सो so ये पोस्ट पेड प्लान है इसका बिल आता है जियो में प्रीपेड है हमें रिचार्ज कराना पड़ता है बात एक ही है पैसे आपको दोनों जगह देने हैं सो एयरटेल में अभी जो मेरा प्लान है वो है सेवन का एंड मैंने थ्री मंथ्स का लिया है सो so इंस्टॉलेशन मेरी फ्री हो गई है साथ में थाउजेंड जी मेरे को डेटा भी मिला है उसकी मैंने वीडियो बनाई थी अगर इंटरेस्टेड हो सो कार्ड में लिंक मिल जाएगा जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे हुई थी सब मैंने उसमें आपको बताया है सो so, यहाँ पर जो मेरा ओवरऑल मेरे को पढ़ रहा है स्पीड तो आपने देख ही लिया एयरटेल क्या प्रोवाइड करवा रहा है एंड जियो क्या प्रोवाइड करवा रहा है जियो के और भी सारे ऑप्शंस uh, थे कि प्लान अपग्रेड करवाओगे तो उसमें आपको स्पीड अच्छी मिल जाएगी लेकिन अगर आप प्लान की प्राइस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है जियो की एज़ कम्पेयर टू एयरटेल एयरटेल में वन फिफ्टी है पर मंथ लेकिन साथ में वो थाउजेंड जी बी डेटा दे रहे हैं जो कि हम सिक्स मंथ तक यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पे जियो भी काफ़ी डेटा आपको ऑफर करता है लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है जो ओ टी टी एप्स हैं वो करता है सिर्फ तीन महीने के लिए मतलब आपने रिचार्ज कराया एक बारी दो बारी तीन बारी तो आपका यूज़ कर सकते हो जैसी आप चौथी बार रिचार्ज कराओगे आपको ओ टी टी एप्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा साथ में आपको डबल डेटा ऑफर भी मिलता है लेकिन वो मिलता है छः महीने तक उसका क्या मतलब है आपने एक एक बार रिचार्ज कराया दो बार रिचार्ज कराया तीसरी बार करवाया आपको डबल मिलता गया पांचवी बार करवाया मिला छठी बार करवाया आपको फिर डबल डेटा मिला देन उसके बाद जब आप सेवंथ बार करवाओगे ना अपना सेवंथ रिचार्ज कराओगे तो आपको डबल डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ छ महीने के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है वो जो डबल डेटा है वो आपको हर मंथ मिल रहा है वो हर मंथ मिल रहा है लेकिन छह महीने जो आप रिचार्ज कराओगे सिर्फ वो तब तक ही मिलेगा सेवंथ रिचार्ज पे आपको नहीं मिलेगा तो अगर कायदे से देखा जाए यहां पे सो यहां पे मेरे को सिर्फ अगर मैं अभी देखता हूं यहां पे सो मुझे जो अभी डेटा प्रोवाइड अगर करवा रहा है क्योंकि अब मेरे छह रिचार्जेस भी हो चुके हैं इनफैक्ट सेवंथ मेरा एड्थ है आई थिंक सो यहाँ पे डबल डेटा अभी लॉकडाउन की वजह से मिल रहा है जब लॉकडाउन हट जाएगा सो so ये डेटा नहीं मिलेगा सो एट फोर्टी नाइन में मतलब एक हज़ार एक रुपये में जो मुझे डेटा मिलेगा वो सिर्फ मुझे मिलेगा यहाँ पर एक्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्ट्री नहीं डबल लिमिट नहीं प्लान बेनिफिट सिर्फ दो सौ जी सो एक हज़ार में मुझे सिर्फ ये दो सौ प्रोवाइड करवा रहा है अगेन देखता हूँ हाँ जी सिर्फ दो सौ जी बी स्टार्टिंग में छः महीने के बाद भाई मैं क्या करूँगा मुझे तो आगे भी चलाना है ना सो so, एयरटेल मुझे प्रोवाइड करवा रहा है सेवन डबल नाइन का प्लान है टैक्सेस मिला के आई थिंक साढ़े नौ सौ रुपये होगा सो so, ये मुझे प्रोवाइड करवा रहा है वन फिफ्टी जी बी लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारा जो मेरे पास डेटा है बोनस डेटा वो भी छः महीने के लिए है बट उसके बाद में टू नाइन्टी नाइन का एक पॉप इसमें टॉपअप होता है वो ऐड करवा लूँगा सो so, अनलिमिटेड डेटा हो जाएगा सो so, वो मेरे ख्याल से तेरह चौदह सौ करीब पहुंचेगा बट सही है क्योंकि आपने स्पीड देखी कितनी ज़्यादा फास्ट है और अपलोड स्पीड तो मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है सो so, मैंने स्विच कर लिया है एयरटेल पे वापस पहले एयरटेल से जियो पे गया देन मैं जियो से वापस एयरटेल पे आया सो so, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो यूट्यूब करते हो सो so, जियो आपके लिए ऑप्शन अच्छा नहीं है क्योंकि अपलोड स्पीड आपने देख ही लिए नौ एम बोलते हैं और देते कितनी हैं एंड एयरटेल में सौ बोलते हैं उससे भी ज्यादा आती है सो so, ये वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो so वीडियो कर देना लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में